Okay, good afternoon. So let's start with the class. Create a new project and call it calculator, calculator demo, whatever you want. We are going to make a calculator. So let's go to activity underscore main.xml और उसमें text view में जाओ, text tab में. This is your code and I guess कुछ चीजें आपको already पता चल चुकी है. The first thing is that you'll have to change to linear layout, and once you do that, you also have to provide the orientation. Linear layout, L capital. Add an orientation of vertical, then yes, we need a text view, so do this. Last का ये चार attributes हटा दो अपने text view का. और text के अंदर initially कुछ भी मत रखो. कायदे से zero रखना चाहिए था, but that will increase the complexity of the program, so नहीं रख रहे इस point पे. ठीक है. और एक काम और कर सकते हो, you can increase the text size. रिजल्ट थोड़ा बड़ा दिखाई देगा. लेट्स से 25 डीपीएस फाइन. एंड ऑब्वियसली यू विल हैव टू प्रोवाइड एन आईडी ऑल दिस टू बी रिजल्ट, बिकॉज यहीं पे रिजल्ट आएगा. यहां तक ठीक है, कोई इश्यू? सिंपल है अभी तक सब कुछ? ओके. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग एक नया लेआउट यूज करेंगे विच इज कॉल्ड टेबल लेआउट. अभी तक हम लोग लीनियर लेआउट यूज कर रहे थे, बट नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू यूज अ टेबल लेआउट. ओके, कैन यू सी देयर इज अ हायरार्की? मैंने ऑलरेडी बोला है कि दीज थिंग्स आर कॉल्ड व्यूज. कोई टेक्स्ट व्यू है या बटन है, दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज व्यूज. कैन यू टेल मी द हायरार्की? लाइक व्यू का पेरेंट कौन हुआ? किसी भी व्यू का पेरेंट कौन हुआ? लेआउट, राइट? और लेआउट का पेरेंट कौन हुआ? योर ऐप स्क्रीन, जो भी आपका स्क्रीन है. तो हायरार्की समझ में आ रहा है? सो देयर इज ऐप स्क्रीन, लेआउट, और लेआउट के अंदर आपके व्यूज. बट इस पर्टिकुलर ऐप में हम क्या करेंगे, हम ऐप स्क्रीन के अंदर लीनियर लेआउट रखेंगे, लीनियर लेआउट के अंदर टेक्स्ट व्यू रहेगा, और टेक्स्ट व्यू के नीचे हम लोग टेबल लेआउट यूज करेंगे. ओके. और टेबल लेआउट के अंदर हम चार टेबल रोज क्रिएट करेंगे, और हर टेबल रो के अंदर कितने बटन्स रहेंगे? पूरा लेआउट समझ में आया? करें क्रिएट. ओके, सो दिस इज आवर टेक्स्ट व्यू. अब इसके ठीक नीचे व्हाट यू विल डू इज यू विल ऐड अ टेबल लेआउट. राइट डाउन टी ए बी एंड इट विल सजेस्ट यू दिस टेबल लेआउट. वी गोइंग टू यूज दिस टेबल लेआउट थिंग. पूछेगा मैच पेरेंट रैप कॉन्टेंट, और अभी कर्स यहां पे ब्लिंक कर रहा है, यहां पे हम अपने टेबल रोज को ऐड करेंगे. यहां तक हो गया? कोई इश्यू अभी तक? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड आवर फर्स्ट टेबल रो. टेबल रो कैसे ऐड करते हो? यू राइट कैपिटल टी, आपको सजेस्ट करेगा देखो टेबल रो आ रहा है, एंटर मारो और ऐसा बन गया. दिस इज योर फर्स्ट टेबल रो. यहां पे कितने बटन ऐड करोगे? चार. स्टार्ट करते हैं. बटन, बटन का विड्थ और हाइट स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा, बस टेक्स्ट और आईडी स्पेसिफाई करो. पहले बटन का टेक्स्ट क्या है हमारे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग? वन. सो लिखो वन, उसके बाद लिखो आईडी, और आईडी प्लीज वही लिखना जो मैं लिखता हूं, बीटीएन जीरो, और सॉरी बीटीएन वन. दिस विल बी द आईडी ऑफ आवर फर्स्ट बटन. Similarly, I'll create one more button. Again, I'll add a text, and the text would be 2, and ID BTN 2. Next, button text, third is 3. ID will be at the rate plus ID BTN 3.
थर्ड बटन क्रिएट हो गया. नाउ आई क्रिएट द फोर्थ बटन विच इज द एड बटन. सो आई राइट बटन टेक्स्ट. टेक्स्ट विल बी प्लस एंड आईडी वुड बी एट द रेट प्लस आईडी btn add. ये मेरा पहला टेबल रो हो गया. तीन और टेबल रोज चाहिए. सो कैन बी कॉपी पेस्ट. बस क्या चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट और आईडी. सो वही कर लो, अदरवाइज इतना टाइप कौन करेगा. डू वन थिंग, टेबल रो से लेकर के टेबल रो तक कॉपी कर लो और नीचे आकर के कंट्रोल वी. ओके, अब यहां पे आप लिखोगे 4 and 5 and 6. दिस विल कम 4 btn 4 5 5 6 btn 6. नेक्स्ट इज माइनस एंड दिस विल बिकम btn sub s कैपिटल UB. दिस इज माई सेकेंड टेबल रो. इफ यू वॉन्ट टू सी कैसा दिख रहा है, यू कैन स्विच टू डिजाइन टैब एंड करेंटली मेरा डिजाइन ऐसा दिख रहा है. ठीक है, नॉट गुड नॉट बैड, पर काम कर रहा है. सिमिलरली वॉट विल डू इज विल कॉपी द थर्ड रो, रादर विल जस्ट पेस्ट इट अगेन. कंट्रोल वी. द थर्ड रो इज 7 8 9 एंड मल्टीप्लाई. सो राइट डाउन 7 btn 7 8 btn 8 9 btn 9 and multiply asterisk spelling likhna m capital ul this multiply this is multiply. teen rows ho gaye, last bar bhi copy paste kar raha hu main. This will become 0. Call it btn 0. This will become slash as in divide. Call this button btn div d capital. Next one would be c capital C as in clear. Iska naam rakho capital C L R. Aur last wala is your equal to. Call it btn equals e capital e q u a l s. Yeah, that's it. This is our UI. Please make sure itna ho jaye. Can you tell me kitne variables create karne padenge? 16 for 16 buttons. Or what about result? Wo bhi to manipulate karoge. So total there will be 17 buttons, 17 variables. Let's create 16 buttons. So there will be btn 0, btn 1, btn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then there will be btn add, btn sub, btn div, btn multiply. Then there will be button, btn clr, btn equals. ये अपने हो गए 16 buttons and will have one text view. और उसका variable का नाम would be result. 16 buttons one text view. Now the second step would be to create that mapping between the UI and backend.
सो अगेन उसके लिए भी विल हैव टू राइट 17 लाइंस. सो मैं लिख रहा हूं, कॉपी पेस्ट है बेसिकली. BTN 0 इज इक्वल टू, इट्स अ बटन. सो विल राइट फाइंड व्यूअर आईडी आर डॉट आईडी डॉट BTN 0. आई कॉपी पेस्ट दिस 16 टाइम्स. कंट्रोल सी. एक दो तीन चार. And I'll just edit the values. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Add, subtract, div, multiply, CLR equals and finally this would become result. यहां से भी edit करना पड़ेगा. So we'll do this, we'll convert it into text view. This will be result. This will be equals. This will be CLR. This will be multiply. This will be div. This will be sub. This will be add. This will be 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very boring, but this is required, so kar diya. Can you tell me कितने groups of button है? There are four groups, right? एक है digit वाले सारे, एक है operators वाले, एक है clear और एक है equal to, right? So यहाँ पे कितने listeners बनाने पड़ेंगे? Four कर सकते थे, मतलब थोड़ा और आगे, but इस point पे तो हम लोगों को 16 ही बनाने पड़ेंगे. So there will be 16 buttons, right? बट डोंट यू थिंक 0 का जो लॉजिक होगा वही 5 का भी लॉजिक होगा, प्लस का जो लॉजिक होगा वही मल्टीप्लाई का भी होगा, राइट? सो कॉमन लॉजिक होगा. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 0 के लिए लॉजिक लिखेंगे. बटन 0 के लिए क्या लॉजिक है, ठीक है? सी गाइस, इट्स ओके, आपका कोड थोड़ा पीछे होगा आई नो, बट टाइम मिलेगा आपको, सबका कोड रन करेगा फिर ही नेक्स्ट पे जाएंगे. सो डोंट वरी, थोड़ा समझने पर ज्यादा फोकस करो, राइट? ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने पहले बटन के लिए वी आर क्रिएटिंग अ लिसनर, जहां पे हमने स्टेप लिखा उसके जस्ट नीचे वी आर राइटिंग BTN 0. BTN 0 और BTN सेम है ना, लाइक इन टर्म्स ऑफ लॉजिक बोथ आर सेम. तो एक काम करते हैं, BTN 1 के लिए पहले बनाते हैं. BTN 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर. यहां पे हम लॉजिक लिखेंगे कि बटन 1 को प्रेस करने पे क्या होगा. अब सब कुछ छोड़ के स्क्रीन पे देखो एक बार, यूजर का फ्लो इमेजिन करो. यूजर जब आपके ऐप पे आया, उसने 1 प्रेस किया तो क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए. कैसे अचीव करोगे ये चीज? सेट टेक्स्ट पढ़ा था, सो यू राइट रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट 1. फिर उसने एक और 1 दबाया तो अब क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा. अगर आपने सिर्फ सेट टेक्स्ट लगाया 1 का, तो उस लॉजिक से तो दूसरी बार 1 प्रेस करेगा तो फिर से 1 ही रह जाएगा. 2 प्रेस करेगा तो दिस विल बी रिप्लेस टू 2. बट हमें क्या करना है, अगर उसने 3 बार 1 दबाया तो 1 1 1 1 2 3, मतलब 1 2 3. सो हमें बेसिकली रादर देन जस्ट ओनली सेटिंग टेक्स्ट यूजिंग सेट टेक्स्ट, वी हैव टू एक्चुअली कॉन्कैटिनेट ना.
सो व्हाट विल बी द स्टेप्स, स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले क्या करोगे स्क्रीन में कन्वर्ट करेंगे? नहीं, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट मॉड्यूलर स्टेप? ये आ रहा है, फर्स्ट विल गेट टेक्स्ट स्क्रीन पे जो भी है, लेट्स से स्क्रीन पे 1 2 है, यू विल फेच इट राइट, फेच करोगे गेट टेक्स्ट से, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, एडिटेबल टेक्स्ट, उसको आपको जावा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो कैसे करते हैं, टू स्ट्रिंग, अब आपके पास 12 स्ट्रिंग में, अब इसमें क्या ऐड करोगे या कौन क्या क्या कॉन्कैटिनेट करोगे, जो भी बटन प्रेस हुआ है राइट, एक बार स्क्रीन पर देखो एंड टेल मी ये सही कोड है कि नहीं, रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट के अंदर रिजल्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग स्पेस प्लस, ये सही लग रहा है, सोच के देखो, अंदर पे पहले फोकस करो, रिजल्ट डॉट गेट टेक्स्ट से क्या किया, फेच किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और वन कॉन्कैटिनेट करा, जावा में प्लस इज द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, और इस पूरे स्ट्रिंग को वापस सेट टेक्स्ट कर दिया, सेट टेक्स्ट को बोला था ना क्या रिक्वायरमेंट होता है, एक स्ट्रिंग का, आपने स्ट्रिंग पास किया, हो गया ना पूरा काम एक ही स्टेप में, डोंट यू थिंक ये सेम चीज को हम लोग को कितनी बार कॉपी पेस्ट करना चाहिए, 16 9 टाइम्स राइट, 1 के लिए लिख दिया 0 और 2 से लेके 9 तक कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है, वी आर कॉपिंग पेस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, this will become 9, this will also become 9, 8 8 7 7 6 6,5 5 4 4 3 3 2 2, 0 and 0, ये हो गए हमारे डिजिट वाले सारे बटन 10 के 10, कॉपी पेस्ट है, लाइन बाय लाइन लिखने का ट्राई करोगे साल लग जाएगा कॉपी पेस्ट करना, कैन यू टेल मी क्लियर वाले बटन का क्या लॉजिक होना चाहिए, गेट टेक्स्ट में सेट टेक्स्ट में अगर आप कुछ भी नहीं भेजोगे तो रिप्लेस कर देगा स्क्रीन पे जो भी है, डोंट यू थिंक इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, तो जल्दी से कर लो, स्क्रीन पे देखो, आई एम राइटिंग द लिसनर फॉर बटन क्लियर, सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड आएगा, दैट इज रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और अंदर आप कुछ भी पास नहीं करोगे, लाइक दिस एम्प्टी स्ट्रिंग, और स्क्रीन पे कुछ भी नहीं रहेगा, क्लियर हो गया, सिंपल लॉजिक, सबसे सिंपल बटन पे प्रोबेबली, ओके गाइस, एक बार और स्क्रीन पे देखो, व्हाट विल हैपन इफ समवन विल प्रेस द ऑपरेटर साइन, लेट्स से स्क्रीन पे उसने दिया 1 2 3 और उसके बाद उसने प्रेस किया प्लस वाला बटन, एंड प्लस हमारा ऐसा काम नहीं करेगा, इंस्टेड हमारा क्लियर हो जाएगा और नया नंबर फिर आएगा, तो कैन यू टेल मी अगर 1 2 3 के बाद उसने प्लस प्रेस किया तो क्या होना चाहिए, द फर्स्ट थिंग वुड बी आप इस वैल्यू को उठाओगे और अपने जावा को दे दोगे राइट, और कुछ करना है इंटीजर में कन्वर्ट करके लेट्स से स्टोर कर दिया, दैट इज वन टास्क, और कोई टास्क करना है इस स्टेप पे, और वैल्यू के बाद इसको भी लेना है, पर वो तो आगे प्रेस होगा ना बटन, वो तो प्लस कर दिया उसके बाद फिर 4 5 6 किया, अभी इस पॉइंट पे जब उसने प्लस प्रेस किया तो और क्या करना है, ऑब्वियसली स्क्रीन को क्लियर करना है, दैट इज सेकंड, कुछ बचा और,
स्टेप पे डू यू थिंक कुछ और बचा है? सॉरी, हाँ वो तो नेक्स्ट स्टेप हो गया, इस स्टेप पे कुछ और करना है? वो तो ऑब्वियसली करेगा यूजर, हमें क्या करना है एज अ प्रोग्रामर? यूजर तो करेगा ही, एज अ प्रोग्रामर डू यू थिंक कुछ और? देखो यार सिंपल साइकोलॉजी में इतनी बार पुश करो तो कुछ ना कुछ तो हो गई वो तो सिंपल साइकोलॉजी है राइट? ये फ्लो को फिर से इमेजिन करो, इमेजिन करना 1 2 3 प्लस 4 5 6 इक्वल टू एग्जैक्टली आपने ऑपरेटर का साइन कहां स्टोर किया? इमेजिन आपने प्लस स्टोर ही नहीं किया, आप बोल रहे हो 1 2 3 प्लस 4 5 6 इक्वल टू। इस स्टेप पे आपके पास ये नंबर भी है, ये नंबर भी है, बट आपके पास यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है उस नंबर का, मतलब उन दो नंबर्स का करना क्या है। सो डोंट यू थिंक आपको उस ऑपरेटर का साइन भी स्टोर करके रखना पड़ेगा सो दैट आप फ्यूचर में उसको यूज कर पाओ दोनों नंबर्स को, यू नो जो भी आपको करना है। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो भी स्क्रीन पे नंबर है उसको आप स्टोर करोगे, सेकेंड ऑपरेटर के साइन को स्टोर करोगे, थर्ड स्क्रीन को क्लियर करोगे। एंड डू यू थिंक सेम काम प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन चारों में होगा? राइट तो किसी एक का क्रिएट करके देखते हैं और द कोड विल लुक लाइक दिस। स्क्रीन पे देखो, बट बिफोर दैट यू हैव टू गो टू ऑन द टॉप एंड यू विल हैव टू क्रिएट टू वेरिएबल्स फॉर ऑफ फ्लोट टाइप। पहले वाले को हम बोलेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नम और सेकंड वाले को बोलेंगे सेकंड अंडरस्कोर नम, और एक और हम लोग स्ट्रिंग बोल के एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम ऑपरेटर को स्टोर करेंगे। तीन और वेरिएबल्स बिकॉज इनका जरूरत है राइट? सो दो वेरिएबल्स फर्स्ट नम सेकंड नम, दोनों फ्लोट है बिकॉज डिविजन होगा, और एक स्ट्रिंग बोल के वेरिएबल जिसमें ऑपरेटर नाम से हम स्ट्रिंग ऑपरेटर का साइन स्टोर करेंगे राइट? नाउ विल कम डाउन एंड विल राइट btn add डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहां पे वो तीनों स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इफ यू रिमेंबर इज फर्स्ट अंडरस्कोर नम में क्या स्टोर करोगे आप? सिंपल सी बात है, आप जब उसको वहां से लेके आओगे एडिटेबल टेक्स्ट टू स्ट्रिंग से जावा स्ट्रिंग, उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? आपने फ्लोट लिया, फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे इंटीजर डॉट पार्स इन बोल के एक फंक्शन है, वैसे ही फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट भी है। सो यू विल राइट फ्लोट रैपर क्लास डॉट द पार्स इंट मेथड और सॉरी पार्स फ्लोट मेथड एंड इन इन साइड हेयर यू विल राइट रिजल्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। योर स्टेप वन, स्टेप टू वुड बी ऑपरेटर वेरिएबल में, वेरिएबल क्यों नहीं आ रहा? ओ कैपिटल हो गया, स्मॉल कर देते। सो ऑपरेटर वेरिएबल में वी विल स्टोर प्लस बिकॉज प्लस का बटन क्लिक हुआ है। सो राइट डाउन ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस और फाइनली विल डू दिस रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर आप कुछ भी नहीं सेट करोगे जस्ट लाइक क्लियर। दिस इज द कोड फॉर एडिशन वाला बटन। और अगर सेम काम मेरे को कॉपी पेस्ट करना है तो बस क्या चेंज करना पड़ेगा बाकी ऑपरेटर्स के लिए? वो प्लस जो है उसके बदले माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन और बाकी जो आपके बटन का नाम है राइट? यही तो करना पड़ेगा। गाइस योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कोड, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोड लिखने के रेस में मत पढ़ो, कोड सबको सब भी लिख लोगे बट समझ पाएंगे लोग अलग अलग लेवल पे, ठीक है? प्लीज योर प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी, क्या मेरे को समझ में आ रहा है, क्या मैं खुद से कोड लिख पाऊंगा? दैट शुड बी द क्वेश्चन रादर देन अरे जल्दी से मैं लिख लेता हूं। तो फिर आपके कॉलेज और इस क्लास में कोई डिफरेंस नहीं है, फिर सेम फिलोसफी पे आप काम कर रहे हो फर्स्ट आने की। अकेले रहो क्लास में, फील दैट आई एम द ओनली वन, आई एम हेयर बिकॉज आई हैव टू लर्न, लर्न नॉट राइट कोड। आपके घर वाले थोड़े बोलेंगे 5,000 रुपए दिए चल दिखाओ कोड कहां सारे, नहीं वो कोई नहीं करेगा राइट? सो प्लीज अपना फिलोसफी थोड़ा चेंज करो। अब इसका मतलब ये नहीं लिखना ही छोड़ दो, लिखो बट इट्स ओके। पहले जैसे मैं लिखने लगूंगा आई विल गिव यू इनफ टाइम, ट्रस्ट मी, बिलीव मी,
मैं आपको आधा घंटा तक देने को रेडी हूं, ये कोड आप लिखोगे आपके कंप्यूटर पे रन करेगा, ट्रस्ट मी, बट प्लीज जब मैं समझा रहा हूं स्क्रीन पे देखा करो, ठीक है। आई एम जस्ट कॉपिंग दिस एंटायर थिंग 3 times, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दिस विल बिकम सब, दिस विल बिकम माइनस, मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम मल्टीप्लाई, एंड फाइनली div, and this will become slash. So ये तो मेरे 15 buttons cover हो गए, बस एक button बच गया, equal to वाला। equal to के click पे क्या करना पड़ेगा? equal to के click पे क्या करोगे? जो second वाला number है उसको उठाओगे। अब आपके पास first number एक variable में है, second number एक variable में है, operator एक variable में, तो अब क्या करोगे? डिपेंडिंग ऑन कि ऑपरेटर के साइन में क्या है, आप इफ एल्स लगा करके रिजल्ट को प्रिंट करोगे, राइट? सो एक फाइनल पीस ऑफ कोड लिखते हैं फॉर इक्वल टू, स्क्रीन पे देखना समझ में आएगा, btn equals dot set on click listener new on click listener, और यहां पे व्हाट यू विल डू इज द फर्स्ट थिंग विल बी टू स्टोर द सेकेंड नंबर, दिस विल बी इक्वल टू सेम float class का parse float method, you will write result dot get text dot to string, यहां तक तो ठीक है। अब आप क्या करोगे, you will write if operator equal to plus, इसका मतलब बंदा plus करना चाहता था, so what you will do is you will do this, एक step में लिख रहा हूं ध्यान से देखना, result dot सेट टेक्स, बट सेट टेक्स को क्या चाहिए होता है? स्ट्रिंग, बट आप जैसे दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? फ्लोट, तो फ्लोट को वापस क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग बाय टू स्ट्रिंग, और टू स्ट्रिंग के अंदर आप क्या करोगे? फर्स्ट नम प्लस सेकेंड नम, हो गया ना। सेकेंड केस विड बी वुड बी एल्स इफ ऑपरेटर इक्वल इक्वल टू माइनस रिजल्ट, सेम कॉपी कर रहा हूं मैं, आई जस्ट कॉपी दिस, सेम चीज है, और यहां पे पेस्ट कंट्रोल वी, दिस टाइम दिस विल बिकम माइनस, एक और केस एल्स इफ कंट्रोल वी, एल्स इफ के बाद यू विल हैव टू पुट अ कंडीशन, सो कंडीशन वुड बी ऑपरेटर इक्वल टू मल्टीप्लाई, एंड दिस विल बिकम मल्टीप्लाई। फाइनली एक लास्ट केस दैट इज एल्स, देखो डिवाइड में एक प्रॉब्लम है, सेकेंड वाला नंबर अगर जीरो हो गया तो उस पॉइंट पे आपका ऐप क्रैश कर जाएगा। कभी देखा है आपको क्रैश होते हुए? अनफॉर्चुनेटली दिस ऐप हैज क्रैश्ड, वो वही होता है जब आप एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं करते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट इफ सेकेंड नम नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप ये काम इजिली कर लोगे, एल्स अगर वो जीरो है तो क्या करोगे, आप ये कर सकते हो रिजल्ट डॉट आई डोंट नो सेट टेक्स्ट में यू कैन राइट समथिंग लाइक गधे, दैट्स द कोड, दिस इज द कोड। स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो एक बार, डेमो देखो, कोड हो जाएगा, आई डोंट वरी। स्क्रीन पे देखो, लेट्स से आई एम एडिंग 1, 2, 3 plus 7, 8 equal to, ठीक है ये वाला काम कर रहा है, क्लियर। 78 माइनस 41 इक्वल्स 37, क्लियर। 74 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल टू 592, क्लियर। 81 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू गधे, 81 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 9, क्लियर।
कर रहा है काम हमारा जितना भी है, बट एक चीज देखो, फ्लॉ देखो हमारे कैलकुलेटर का, बंदा आया और सीधे प्लस प्रेस कर दिया, ये देखा होगा बहुत सारे एप्स में, इट्स बिकॉज आपके प्रोग्रामर ने बेसिकली आपने हर केस हैंडल नहीं किया जो पॉसिबल था, सीधे प्लस प्रेस कर दोगे, इसके लिए आपने कुछ कोड ही नहीं लिखा, अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन हुआ, ऐप क्रैश, जनरली अपडेट्स के बाद ही बहुत होता है, नोटिस किया है, बिकॉज जब भी आप नया अपडेट करते हो, नया कोड डालते हो, सारा पॉसिबिलिटीज नहीं रहता दिमाग में और ऐसी गलतियां होती हैं, समझ में आ रहा है, जितनी अच्छी कंपनी उतनी ये गलतियां कम, फेसबुक का ऐप बहुत कम क्रैश करता है, आई गेस कभी नहीं देखा होगा, ऑब्वियसली बिकॉज एक एक करोड़ देते हैं उन लोगों को, बट पॉइंट ये सुनो, एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो यार, यहाँ पे आपको आगे तक हेल्प मिलेगा, नॉट ओनली इन एंड्रॉइड, ऑल्दो ये ऐप फुली फंक्शनल नहीं है, ये काम कर रहा है अपना बेसिक वाला, इस तरह के प्रोजेक्ट को, इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। जब भी आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, यू विल सी कि पीपल ओवर देयर दे क्रिएट द मोस्ट फंडामेंटल वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, देन दे टेक फीडबैक एंड इंप्रूव इट ओवर द ओवर इयर्स। ठीक है, आई टेल यू माई एग्जाम्पल, आई आफ्टर माई फोर्थ ईयर आई ज्वाइंट अ कंपनी ओवर हेयर, CTS बोल के Cognizant, 4 months में आई लेफ्ट द कंपनी बिकॉज आई हैड दिस आइडिया टू स्टार्ट माई ओन कंपनी, एंड द आइडिया वॉज दिस दैट आई वॉन्टेड टू मेक अ लिंक्डइन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, क्योंकि लोग कॉलेज स्टूडेंट्स बनाते हैं लिंक्डइन पे प्रोफाइल, बट फायदा नहीं होता, प्रेशर में लोग बनाते हैं, सो आई थॉट कि मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो मैं अपनी वेबसाइट में डालूंगा एंड पीपल कैन गेट प्लेसमेंट थ्रू दैट पोर्टल। सो आई रोट डाउन अराउंड 20 फीचर्स एंड 8 महीने मैंने खुद को कमरे में बंद करके उस वेबसाइट को बनाया, 8 months ऑफ माई लाइफ आई जस्ट कोडेड डे इन डे आउट पूरे टाइम। 8 महीने के बाद मेरे को लगा मेरा वेबसाइट बन गया, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलेज है TICT बोल के, फिर यहाँ पे टेक्नो इंडिया IIM वगैरह कॉलेज है, इनके गेट पे जाकर के मैंने पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किया अपने वेबसाइट के कि आना इस वेबसाइट पे, ये एक फीचर है, ये फीचर है, एंड आई सॉ, मैं गूगल एनालिटिक्स पे बैठ के देखता था, जब भी मैं पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करता था नेक्स्ट डे देयर वॉज अ सर्ज इन ट्रैफिक, ज्यादा लोग आते थे, फिर वो ट्रैफिक डाई आउट कर जाता था, लाइक ओवर अ वीक डाई आउट कर जाता था, एंड आई वॉज लाइक क्यों हो रहा है ऐसा। आई टुक फीडबैक लोगों से फोन कर करके जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में थे, वेबसाइट अच्छा लग रहा है, हाँ सर बहुत बढ़िया है, कहता यूज करने में सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी वेबसाइट है, तो आते क्यों नहीं हो डेली, तो इस लाइक सर बहुत अच्छा है पर मतलब डेली आने जैसे तो कुछ दिखा नहीं वहां पे, हम क्यों आए डेली। एंड उस टाइम मैं रियलाइज किया कि शिट, मैंने 8 महीने एक काम किया, एक चीज बनाई और उस चीज का लोगों को जरूरत ही नहीं है, रादर व्हाट आई शुड हैव डन वाज कि मेरे को लिखना चाहिए था 20 फीचर्स और खुद से क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि इनमें से कौन से फीचर के बिना मेरा वेबसाइट चल ही नहीं सकता, जैसे कि लॉगिन वुड बी अ फीचर, उसके बिना साइट चलेगा नहीं चलेगा, तो उसको बनाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बिना चलेगा बनाना पड़ेगा, क्या चैटिंग के बिना चलेगा, चल जाएगा, चैट जरूरी थोड़ी एकदम शुरू से मिले, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने के बिना चलेगा, चल जाएगा, फीड्स के बिना चलेगा, चल सकता है। तो मैंने एंड में डिसाइड किया कि 4 फीचर्स मेरे को बनाने, 1 महीने में बनाया, लॉन्च किया, लोगों से पूछा, लोगों ने फीडबैक दिया, 1 महीने मेरे को एटलीस्ट ये पता चल जाता कि मेरे को आगे काम करना है कि नहीं, और अगर करना है तो कैसे करना है। मेरे दिमाग में एक आइडिया था, उसके हिसाब से मैंने 8 महीने वेस्ट किए, कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आपको पता है फेसबुक का पहला वर्जन वॉज सो शिटी, उसमें सिर्फ आप अपना प्रोफाइल बनाते थे, अपना इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करते थे, देर वॉज नो न्यूज फीड, देर वॉज नो चैटिंग, कुछ भी नहीं था, बट स्टिल फेसबुक चल निकला बिकॉज जो भी था उतना लोगों को पसंद आया और फीडबैक के ऊपर उन्होंने काम किया। स्विगी का ओरिजिनल जो मेन कंपनी है जिसको देख के स्विगी ने कॉपी किया है, उसका नाम है DoorDash इज अ कंपनी जो US में स्टार्ट हुआ, उसका फाउंडर का एक टेकटॉक है। वॉट ही डिड, उसने सिर्फ एक लैंडिंग पेज बनाया, सिर्फ एक पेज जिसमें उन्होंने एक फोन नंबर डाल दिया कि खाना चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करो हम पहुंचा देंगे, और उसका डिमांड था तो लोगों को कॉल आने लगा। उसके बाद उन्होंने फीडबैक ले लेके ऐप बनाया और नाउ दे आर अ बिग कंपनी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज व्हेन यू बिल्ड सॉफ्टवेयर देयर आर 2 फिलॉसफीज, वन ऑफ देम इज कॉल्ड दिस, इसको बोलते हैं अजाइल, जहां पे आप एक प्रोडक्ट का मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाते हो, फीडबैक लेते हो, इंप्रूव करते चले जाते हो। सेकेंड वन इज कॉल्ड वाटरफॉल, जहां पे आप स्पेसिफिकेशन उठाते हो क्लाइंट से, जैसा उसने बोला एग्जैक्टली वैसा बनाने के बाद ही लॉन्च करते हो। सो अगर कल को आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप कौन सा फिलॉसफी फॉलो करोगे? मोस्ट लाइकली अजाइल, राइट, इजी रहेगा। बट आर देर एनी सिनेरियोज जहां पे आपको लगता है वाटरफॉल वाला मॉडल ज्यादा अच्छा रहेगा? एनी सिनेरियो बिजनेस केस? बैंकिंग,
व्हाट अबाउट बैंकिंग एप्लीकेशंस? आप आधा दूरा सॉफ्टवेयर तो नहीं दोगे? अपना एक्सिस बैंक ने एक ऐप लॉन्च किया, पता चला उसमें फ्लॉ है, 10,000 भेजो 1,00,000 ट्रांसफर होते हैं, सभी लोग कूद पड़े हमको यहीं पे अपना अकाउंट खुलवाना, राइट? हो सकता है ना। सिमिलरली व्हाट अबाउट सेल्फ ड्राइविंग कार्स? आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो सिर्फ 80% एक्यूरेट है, कार बाहर निकली 100 में से 80 टाइम्स सही चल रही है, 20 टाइम्स एक्सीडेंट कर रही है, चलेगा आपको? व्हाट अबाउट दिस मेडिकल सॉफ्टवेयर जो इमेजेस देख करके बताता है कि बंदे को कैंसर है कि नहीं? एक बंदा आया, वो उसका फोटो देखा, बोला बहुत सही है तुम्हारा, में कोई फ्लॉ नहीं है, पता चला उसको कैंसर था, बाहर जाके पीने लगा, मर गया। इस जगह पे, इन जगहों पे आप रख सकते हो। तो जहां भी स्टेक हाई है आप कौन सा मॉडल फॉलो करोगे, और जहां भी आपको लगता है कि आपके पास ऑप्शन है थोड़ी गलतियां करने का, आप अजाइल से काम करते हो। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स इन इंडिया दे वर्क ऑन अजाइल वाला, ठीक है? अजाइल आप पढ़ोगे अगर आप सॉफ्टवेयर मतलब सीएस में हो, देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आई गेस, उसमें आपको ये सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है? जैसे बता दिया।